पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा कि इस स्टेज पे पहला वो मतलब बाइकर होकर के या बेसिकली वो ट्रैवलर होकर के जिसने इस पे ट्रैवल किया, तो याद रहेगा मेरे को ये। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चैनल पर और इसे एक और नई वीडियो में। तो गाइस जैसा मैंने कहा था कि आज इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, तो फाइनली इनॉग्रेशन हो गया। आप देख लो ये आश्रम फ्लाईओवर, तो अभी जो नोएडा की तरफ से रोड जाती है साउथ दिल्ली की तरफ, सिर्फ इसी को इनॉग्रेट किया है। यहाँ पे जो साउथ दिल्ली से नोएडा जाती है ये भी खुलने वाला है। ट्रेन से भी इसको हटा रहे हैं, जो भी बैरिकेडिंग लगा रखी थी इसको हटाएंगे। तो मुझे लगता है कि बेसिकली अभी देखो पीछे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, तो इतने देर ट्रैफिक में रुकने के बाद मतलब कि जब इतना टाइम वेट कर लिया है तो थोड़े 15-20 मिनट और रुक जाते हैं, और जब ये फाइनली हटेगा तो आज अपन यहीं से जाएंगे भले कितना भी टाइम लग जाए। तो फिर इसके हटने के बाद फिर मैं हूँगा उन पहले कुछ चुनिंदा लोगों में से जो इस फ्लाईओवर का यूज़ करेंगे। तो इसको अभी क्रेन लगा करके वो लोग हटा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो वेट कर लेते हैं और फिर इसके हटने के बाद फाइनली हम भी इस आश्रम फ्लाईओवर का यूज़ करेंगे। भाई बहुत वेट किया है, बहुत पेशेंस, मतलब आपको बता रहा हूँ ये आप जो ट्रैफिक देख रहे हो पीछे, बहुत लंबा जाम लगता था यार, बहुत लंबा जाम लगता था, ऑफिस आने और जाने में बहुत दिक्कत होती थी। बाइक से निकलने का फाइनली रास्ता बना लिया लोगों ने, तो ये मोटरसाइकिल और ये देखिए इस तरह से बाइक, पहले कुछ बाइकर्स यहाँ से निकल गए और मैं भी इनको ज्वाइन करता हूँ और हम यहाँ से निकलेंगे और अपना रास्ता बना लिया। और भाई फाइनली अपन निकला है, आप पीछे देख सकते हो मेरे पूरा फ्लाईओवर खाली है, और जैसा आप देख सकते हो मैं भी उन कुछ चुनिंदा लोगों में जो फ्लाईओवर से चुन लें, भाई पूरा फ्लाईओवर खाली है, कहीं बहुत बढ़िया बना रखा है, मजा रखा है। तो ये वाले स्ट्रेच पे अभी रोड मार्किंग का काम बाकी है और यहाँ तक प्रॉपर रोड मार्किंग हो गई है, तो मुझे लगता है यहाँ पे रोड मार्किंग भी हो जाएगी और कल से ये पूरा ओपन हो जाएगा, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये पूरा फ्लाईओवर खाली है। भाई मतलब ब्लॉग करने का इससे ज़्यादा मजा क्या आएगा यार, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, फ्लाईओवर भी अपन है और ये है अपना आश्रम फ्लाईओवर, जो कि इसी तरह बेसिकली ये वाला स्ट्रेच नया बना है, पीछे वाला बना नहीं था अभी जिसमें मैं चल रहा हूँ, ये पूरा नया स्ट्रेच है एकदम। जो स्ट्रेच है ये निकल जाएगा आपका सराय काले खां की तरफ और ये सीधे जाकर के नोएडा मिलेगा, और यहीं पे मुझे लग रहा है इनॉग्रेशन हुआ है, काफी फूल पड़े हुए हैं आप देख सकते हो, यहीं पे पूरा एकदम मजमा लगा था और यही वो जगह है जहाँ इनॉग्रेट किया इन्होंने। तो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा कि इस स्ट्रेच पे पहला वो मतलब बाइकर होकर के या बेसिकली वो ट्रैवलर होकर के जिसने इस पे ट्रैवल किया, तो याद रहेगा मेरे को ये। और आप सभी दिल्ली और नोएडा वासियों को बहुत बहुत फिर से बधाई हो, भाई इस स्ट्रेच से इस फ्लाईओवर से हमको बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली राहत मिलने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।